हमारे बुजुर्गों ने जो पाकिस्तान बनाया था, जिस पाकिस्तान के लिए तगुदो की थी, जिसके लिए उन्होंने कोशिशें की थी, वो पाकिस्तान नहीं था जो कि बदकिस्मती से जिस माहौल को, जिस मंजर को, जिस अंदोहनाक और दर्दनाक सियालकोट सानहे को हमने देखा, ये कतन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान नहीं है। ये हरगिज़ वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए सुहाग उजड़ गए, हमारी माएँ और बहनें बेवाएँ हो गई, जिसके लिए लोगों ने अपने घर बार छोड़े, ये वो पाकिस्तान कतन नहीं है। उस पाकिस्तान का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना था और मोहब्बतों के लिए बना था, खुशियों और राहतों के लिए बना था, और जिस पाकिस्तान के बनने से 3 या 2 दिन पहले बाबा कौम ने कहा था और उस पैगाम को हम कहीं और चीज़ों में भुला बैठे कि आप आज़ाद हैं, आप चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारा में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, रियासत का इससे सरोकार नहीं है कि आप किस मज़हब के पैरोकार हैं। आप जिस मज़हब के भी पैरोकार हैं, आप ख्वाह मसीही है, ख्वाह हिंदू है, ख्वाह सिख है, ख्वाह बिहाई है, ख्वाह कैलाश है, आप सब पाकिस्तानी हैं और आप सब अव्वल दर्जे के शहरी हैं। कोई आप में से दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है।